पाकिस्तान के जाने माने कॉमेडियन उमर शरीफ का जर्मनी में निधन हो गया है। वो 66 साल के थे और पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्हें कैंसर था और इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से कराची से वॉशिंगटन ले जाया जा रहा था। हालांकि तबीयत बिगड़ने के चलते जर्मनी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। हालत बिगड़ने पर बुधवार को उन्हें जर्मनी के नूर्नबर्ग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां से 3 दिन बाद उन्हें दोबारा यूएस ले जाना था, लेकिन इससे पहले ही उनका निधन हो गया। उमर शरीफ के निधन की पुष्टि पाकिस्तान की आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट अहमद शाह ने भी की है। उमर शरीफ के निधन पर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र से ही अपने स्टैंड अप कॉमेडियन करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 80, 90 और 2000 के दशक में खूब नाम कमाया था। उमर शरीफ की पत्नी जरीन ने कुछ समय पहले कॉमेडियन की व्हीलचेयर पर बैठे हुए एक तस्वीर शेयर की थी। उन्हें इलाज के लिए यूएस लेकर जा रहे थे। वह उनके फेसबुक अकाउंट पर फैंस को कॉमेडियन की हेल्थ के बारे में जानकारी देती रहती थी। उमर शरीफ की हालत बिगड़ने के बाद उनकी पत्नी जरीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कॉमेडियन को अमेरिका भेजने में मदद मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वह धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो रहे हैं, मगर उनका तुरंत अमेरिका के स्पेशलिस्ट्स द्वारा ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया तो उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी, जो उनकी जिंदगी के लिए घातक साबित हो सकती है। उमर शरीफ की बेटी हीरा का बीते साल निधन हो गया था। वह कई बीमारियों से जूझ रही थी। बेटी ने निधन के बाद से ही उमर शरीफ की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। आइए देखते हैं कॉमेडियन उमर शरीफ की कुछ झलकियां। इन 4 शादियों की इजाजत है हमारे यहाँ और 70 हूरे मिलेंगी ऊपर। औरतें कहती हैं 4 शादियां क्यों करते, इसलिए कि औरतें ज्यादा हैं, मर्द कम हैं, और औरतें मरती भी कम हैं। क्यों 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 नहीं मरती, मुझसे पूछिए क्यों नहीं मरती, पूछिए क्यों। मेकअप, सारा दिन मेकअप करके घूमती हैं, रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया, देखा अरे ये तो कोई और है, बच गई। घर के लोगों के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनकी हंसी और उनके खुश मिजाजी अंदाज को दुनिया में बांटते रहें और उनको अच्छे चीजों के लिए याद रखें। किसी के जाने का दुख तो होता है, लेकिन किसी के जीवन का जश्न मनाना कभी कभी जरूरी है। और मैं वाकई उदास हुआ उनके करोड़ों फैंस की तरह उनके बारे में सुनकर। बहुत सारी उनकी कॉमेडीज देखी हैं, बहुत उन्होंने हंसाया है, और जो इंसान दुनिया को हंसाता है वो दुनिया के जहन से कभी जाता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम है उमर शरीफ और मैं पाकिस्तान से आपसे बात कर रहा हूँ। सलीम जदी अच्छा इजाफा है कॉमेडी की दुनिया में, और अच्छा अंदाज है उनका बात करने का, मुझे भी अच्छा लगा, एक क्लिप देखा था उनका। ऐसे ही आप मेहनत करते रहे तो डेफिनेटली आप एक दिन अपना नाम बना लेंगे।